न जाने देखते देखते कैसे वक्त निकल गया, न जाने देखते देखते कैसे वक्त निकल गया। यूं तो उम्र ज्यादा नहीं है मेरी, लेकिन जमाना बदल गया। वो भी एक समय था जो कि देखते देखते निकल गया, वो भी एक समय था जो कि देखते देखते निकल गया, जैसे कि एक बर्फ था और सूरज की रोशनी से पिघल गया। गई वो भावनाएं जैसे हो गई बरसात सावन के बादल की तरह, गई वो भावनाएं जैसे हो गई बरसात सावन के बादल की तरह। और एक मैं हूं जो आज भी उन्हें ढूंढता हूं एक पागल की तरह। निकलते हैं परिंदे दाने की तलाश में घोंसले से और फंस जाते हैं किसी शिकारी की जाल में। निकलते हैं परिंदे दाने की तलाश में घोंसले से और फंस जाते हैं किसी शिकारी की जाल में। बड़े शहर जब आया तो मुझे एहसास हुआ मैं भी तो जी रहा हूं कुछ इसी हाल में। ख्वाहिशें बहुत हैं जो बैठी हैं दिल में सब्र बनकर, ख्वाहिशें बहुत हैं जो बैठी हैं दिल में सब्र बनकर। और ये दुनिया खड़ी है न जाने कितने अरमानों की कब्र बनकर। जब भी याद करता हूं बचपन अपना तो रो लेता हूं, जब भी याद करता हूं बचपन अपना तो रो लेता हूं। मुझे रोता देख कोई सवाल ना करे इसलिए पानी से अपनी आंखें धो लेता हूं। मेरे रिश्तेदार मेरी माँ से कहते हैं आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और खुशी की बात है कि अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए। मेरे रिश्तेदार मेरी माँ से कहते हैं आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और खुशी की बात है कि अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए। सोचता हूं कि वो लोग जो ऐसा कह रहे हैं शायद वो लोग सच्चे हैं। सोचता हूं कि वो लोग जो ऐसा कह रहे हैं वो लोग शायद सच्चे हैं। लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ हमारे सर से हटाकर देखो हम आज भी बच्चे हैं। क्या अपना क्या पराया, क्या दोस्ती क्या दुश्मनी, सब पल भर के शिकवे और गिले थे। क्या अपना क्या पराया, क्या दोस्ती क्या दुश्मनी, सब पल भर के शिकवे और गिले थे। किसी भी हाल में किसी का दिल मत दुखाना, ये संस्कार हमें बुजुर्गों से मिले थे। लेकिन जब आज अपने दिल को देखता हूं तो ये टूट कर ऐसे बिखरा है जैसे हो रेत की तरह। आज जब अपने दिल को देखता हूं तो ये टूट कर ऐसे बिखरा है जैसे हो रेत की तरह। फिर भी अपने चेहरे पे ऐसी मुस्कान रखता हूं जैसे बरसात में लहलहाते खेत की तरह। बहुत लोगों ने मेरा हाथ थामा और फिर छोड़ दिया, खुद को मेरा अपना बताया और जब जरूरतें पूरी हुई तो रिश्ता तोड़ दिया। कुछ ने तो ये तक कहा था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे वो मेरा, कुछ ने तो ये तक कहा था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे वो मेरा। जब भी वो लोग जहन में आते हैं न जाने कितनी यादों के पन्ने खोलते हैं, जब भी वो लोग जहन में आते हैं न जाने कितनी यादों के पन्ने खोलते हैं। खैर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग ये सब बातें अब किसी और से बोलते हैं। कुछ दोस्त थे जो मुझे अपना जिगरी यार कहते थे, कुछ दोस्त थे जो मुझे अपना जिगरी यार कहते थे। अपने अपने घरों से निकलकर दिन भर मेरे साथ रहते थे। न जाने आज वो कहाँ हैं, लेकिन दुआ करता हूं जहां भी हूं अच्छे हूं। ये दुनिया बड़ी बेजमीरों की है, कम से कम मेरे दोस्त तो पहले की तरह सच्चे हूं। कभी पापा की फटकार सुनता था तो मन ही मन बड़बड़ाता था बड़ा हो जाऊंगा तो घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर देखता हूं कैसे मुझे फटकारने आते हैं। कभी जब पापा की फटकार सुनता था तो मन ही मन बड़बड़ाता था कि बड़ा हो जाऊंगा तो घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर देखता हूं कैसे मुझे ये फटकारने आते हैं। लेकिन मैं उन बदनसीब बच्चों में से हूं जिनके पिता उन्हें बड़े होने से पहले छोड़कर चले जाते हैं। सोचा नहीं था कभी कि उलझनों में इस तरह फंस जाऊंगा, सोचा नहीं था कभी कि उलझनों में इस तरह फंस जाऊंगा।
और पापा की फटकार सुनने कोई तरस जाऊंगा। एक वक्त था माँ कहती थी कहीं जाने से पहले घर का खाना खा कर जाया करो। एक वक्त था जब माँ कहती थी कहीं जाने से पहले घर का खाना खा कर जाया करो। आज माँ से मैं फोन पर कहता हूँ, माँ आप मेरी फिक्र मत करो, आप खाना खाकर टाइम पे सो जाया करो। न जाने कितनी दफा माँ से ये कहकर खाना छोड़ दिया कि आज खाना अच्छा नहीं बना है। न जाने मैंने कितनी दफा माँ से यह कहकर खाना छोड़ दिया कि आज खाना अच्छा नहीं बना है। और एक आज का वक्त है, कुछ भी खा लेता हूं ये सोचकर कि माँ के हाथ का स्वाद नहीं, लेकिन चलो अच्छा ही बना है। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, इस बात का एहसास अब है मुझे। भूलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन सब याद है मुझे। बहुत याद आते हैं मेरे माँ बाप, मेरा छोटा सा शहर, मेरे दोस्त यार, मेरे भाई बहन और बीते हुए कल। बहुत याद आते हैं मेरे माँ बाप, मेरा छोटा सा शहर, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त यार और बीते हुए पल। लेकिन शायद ये सब अब यादें ही हैं, क्योंकि कहाँ आता है किसी का गुजरा हुआ कल। थैंक यू दोस्तों, बस एक छोटी सी कोशिश है। रात भर बैठा था मैं ऐसे ही रियाज पे, तो कुछ जहन में आया तो लिखा, आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो जरूर आप लोग बताएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।